एंड्रॉइड आर्ट कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर ऐप है आईबेस पेंट, जिससे आर्टिस्ट लोग हर साल लाखों में कमाते हैं। इससे तुम एक से एक बिंदास ड्राइंग, इलस्ट्रेशन एंड डिजिटल आर्ट बना सकते हो, बट एनिमेशन नहीं बना सकते, क्योंकि एनिमेशन बनाने के लिए इसमें अब तक कोई फीचर ही नहीं था। अभी ही कुछ दिन पहले इसका एक नया अपडेट आया है, जिसमें तुम एनिमेशन कर सकते हो, लाइक लिटरली एनिमेशन कर सकते हो। एनिमेशन की बात चल रही है तो फिल्पा क्लिप को कैसे भूल सकते हैं, जो कि एनिमेशन बनाने के लिए एंड्रॉइड पर सबसे ज्यादा पॉपुलर ऐप है। फिल्पा क्लिप बसेस आईबेस पेंट का न्यू एनिमेशन अपडेट। इन दोनों में कौन सा ज्यादा एपिक एंड प्रोफेशनल एनिमेशन बना सकता है, पहले देख लेते हैं दोनों का इंटरफेस। फिल्पा क्लिप में हमें मैक्सिमम टूल्स लेफ्ट साइड में मिलेंगे और आईबेस पेंट में हमें ज्यादातर टूल नीचे की साइड मिलेंगे। फिल्पा क्लिप में हमें वर्किंग एरिया इतना मिल जाता है और आईबेस पेंट में इतना मिल जाता है। दोनों में ही काइंड ऑफ सिमिलर है, बट आईबेस पेंट में तुम्हें एक और फीचर एक्स्ट्रा मिल जाएगा और वो है ये एरो, जिससे तुम टूल्स को हाइड कर सकते हो। इससे तुम फुल स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हो। दोनों का इंटरफेस देखा जाए तो काफी अच्छा है। फिल्पा क्लिप का एक पॉइंट और आईबेस पेंट का भी एक पॉइंट। दोनों में ही हमें ये प्लस बटन मिल जाएगा, जिससे हम एक नया फ्रेम ऐड कर सकते हैं, और दोनों में ही हमें प्ले बटन भी मिल जाएगा, जिससे हम अपनी एनिमेशन को प्ले करके देख सकते हैं। फिल्पा क्लिप को मिलता है एक पॉइंट और आईबेस पेंट को भी एक पॉइंट। फिल्पा क्लिप में हमें साउंड और म्यूजिक ऐड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो काफी ज्यादा यूजफुल है। अदर साइड मुझे नहीं लगता कि आईबेस पेंट में ये ऑप्शन है, अभी तो नहीं है, शायद फ्यूचर में आ जाए, इसीलिए ये पॉइंट मिलता है फिल्पा क्लिप को। फिल्पा क्लिप में हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है, वो है ये फ्रेम्स व्यूअर, जिससे हम एक से ज्यादा फ्रेम्स को मार्क करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो काफी यूजफुल है, और ये ऑप्शन आईबेस पेंट में नहीं मिलता। इसी के साथ फिल्पा क्लिप का एक और पॉइंट, एनिमेशन बनाने के लिए दोनों में ही हमें ब्रश एंड इरेजर मिल जाते हैं, बट फिल्पा क्लिप में हमें ओनली 12 ब्रश मिलते हैं, जिसमें से भी 5 प्रीमियम पैक में हैं। अदर साइड आईबेस पेंट में हमें 300 से ज्यादा ब्रश मिलते हैं। इतना ही नहीं, तुम आईबेस पेंट में ब्रश को कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। ये पॉइंट मिलता है आईबेस पेंट को। फिल्पा क्लिप में हमें मिल जाता है आईड्रॉपर टूल। अदर साइड आईबेस पेंट में भी आईड्रॉपर टूल मिलता है और साथ ही में इसका शॉर्टकट भी मिल जाता है, जस्ट टैप एंड होल्ड। इस टाइप से हम किसी भी कलर को इजीली पिक कर सकते हैं। ये आईड्रॉपर टूल का शॉर्टकट एनिमेशन बनाते टाइम काफी ज्यादा काम आएगा। आईबेस पेंट का एक और पॉइंट, फिल्पा क्लिप में हमें अनियन स्किन एंड ग्रिड का यूज करने के लिए पैसे देने होंगे, बट आईबेस पेंट में हम इन सभी एनिमेशन टूल्स को फ्री में यूज कर सकते हैं। आईबेस पेंट को मिलता है एक और पॉइंट। फिल्पा क्लिप में हम सिर्फ 3 लेयर्स बना सकते हैं और 2 लेयर्स को आपस में मर्ज भी नहीं कर सकते, इसके लिए हमें फिल्पा क्लिप को पैसे देने होंगे। अदर साइड आईबेस पेंट में हम जितनी चाहें उतनी लेयर्स बना सकते हैं और लेयर्स को डुप्लीकेट एंड मर्ज भी कर सकते हैं, और वो भी फ्री में। आईबेस पेंट का एक और पॉइंट, फिल्पा क्लिप में हम एनिमेशन का टाइमलैप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदर साइड आईबेस पेंट एनिमेशन में टाइमलैप वीडियो का फीचर डायरेक्ट नहीं मिलता, इसके लिए हमें टैप करना होगा इस आई बटन पर। इसके बाद नीचे इस प्ले टाइमलैप वीडियो ऑप्शन पर टैप करके अपने मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोनों का एक एक पॉइंट। फिल्पा क्लिप में हमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के बटन भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे हम अपने एनिमेशन के फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम पर इजीली जा सकते हैं। अदर साइड ये फीचर हमें आईबेस पेंट में नहीं मिलता, ये पॉइंट मिलता है फिल्पा क्लिप को। फिल्पा क्लिप में हम अपनी गैलरी से फोटोज एंड वीडियोस इंपोर्ट कर सकते हैं, बट आईबेस पेंट में हम ओनली फोटोज इंपोर्ट कर सकते हैं, वीडियोस इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये पॉइंट फिर जाता है फिल्पा क्लिप को। नेक्स्ट है रूलर टूल। ये फिल्पा क्लिप में भी मिल जाता है और आईबेस पेंट में भी मिल जाता है, बट फिल्पा क्लिप में हमें ओनली 4 टाइप के रूलर्स मिलते हैं। अदर साइड आईबेस पेंट में हमें 9 टाइप के रूलर्स मिलेंगे, इसीलिए आईबेस पेंट को मिलता है एक और पॉइंट। फिल बकेट टूल भी दोनों में ही मिल जाता है, बट फिल्पा क्लिप के कंपैरिजन में आईबेस पेंट में हमें काफी ज्यादा फीचर्स एंड सेटिंग्स मिल जाती हैं। आईबेस पेंट का एक और पॉइंट। नेक्स्ट है टेक्स्ट टूल। ये दोनों में ही काइंड ऑफ सिमिलर है, फिर भी आईबेस पेंट में हमें फिल्पा क्लिप से ज्यादा फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे और आईबेस पेंट में हम न्यू फॉन्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो काफी अच्छा फीचर है। ये पॉइंट भी जाता है आईबेस पेंट को। आईबेस पेंट में हमें स्टेबिलाईजर मिल जाता है और फिल्पा क्लिप में भी। दोनों का एक एक पॉइंट। आईबीएस पेंट में हमें क्लिपिंग मास्क और एल्फा लॉक भी मिल जाता है, अदर साइड फिल्पा क्लिप में नहीं मिलता। ये पॉइंट भी जाता है आईबीएस पेंट को। आईबीएस पेंट में मिल जाता है लिक्विफाई टूल, बट फिल्पा क्लिप में नहीं मिलता। ये पॉइंट भी जाता है आईबीएस पेंट को। आईबीएस पेंट में हमें स्मज टूल भी मिल जाता है, जो फिल्पा क्लिप में नहीं मिलता। ये पॉइंट भी जाता है आईबेस पेंट को। और सबसे ज्यादा यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट चीज, रेफरेंस विंडो, जो हमें आईबेस पेंट पे मिल जाती है बट फिल्पा क्लिप में नहीं मिलती। आईबेस पेंट का एक और पॉइंट। आईबेस पेंट पे हमें एक और यूजफुल फीचर मिल जाता है और वो है मटेरियल्स। इसमें हमें डिफरेंट टाइप के करेक्टर पोज, डिफरेंट टाइप के हेयर, आईज, नोज, माउथ, फुट, हैंड और ढेर सारे टेक्सचर्स एंड बैकग्राउंड भी मिल जाएंगे, जो फिल्पा क्लिप में नहीं मिलते। आईबेस पेंट का एक और पॉइंट। आईबेस पेंट में हम फ्रेम्स को इस टाइप से लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं, बट फिल्पा क्लिप में ये ऑप्शन अभी तक तो नहीं आया है, इसलिए आईबेस पेंट का एक और पॉइंट। आईबेस पेंट में हमें एक और काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है और वो है ये फ्रेम ड्यूरेशन। बेसिकली इससे हम इस स्लाइड
स्लाइडर से फ्रेम की ड्यूरेशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिल्पेग्लिप में अगर तुम 24 FPS पर एनिमेशन कर रहे हो और तुम किसी भी फ्रेम को 2 सेकंड तक फ्रीज करना चाहते हो तो तुम्हें उस फ्रेम को 48 बार कॉपी पेस्ट करना होगा। बट iOS पेंट के इस ड्यूरेशन स्लाइडर से हम किसी भी फ्रेम को 1, 2 या 3 सेकंड तक इजीली फ्रीज कर सकते हैं, जो काफी यूजफुल है iOS पेंट का एक और पॉइंट। नेक्स्ट, फिल्पेग्लिप में हम किसी भी एनिमेशन लेयर को इजीली डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस रफ स्केच लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो इजीली 1 या 2 क्लिक में डिलीट कर सकते हैं। बट अदर साइड iOS पेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम डिलीट भी करेंगे तो ओनली करंट फ्रेम की लेयर डिलीट होगी, अदर फ्रेम से डिलीट नहीं होगी। इसके लिए हमें सबको एक एक करके डिलीट करना होगा। शायद फ्यूचर में कोई अपडेट आ जाए इसे फिक्स करने के लिए, बट अभी के लिए तो ये पॉइंट जाता है फिल्पेग्लिप को। नेक्स्ट है ऐसा टूल जिससे हम अपनी एनिमेशन को एकदम सिनेमेटिक एंड प्रोफेशनल लुकिंग बना सकते हैं, और वो है ब्लेंडिंग मोड, जो दोनों में ही मिल जाता है। बट फिल्पेग्लिप में ब्लेंडिंग मोड अभी कुछ मंथ पहले ही आया है। अदर साइड iOS पेंट में ये ब्लेंडिंग मोड पिछले 9-10 साल से है। नो डाउट iOS पेंट का ब्लेंडिंग मोड फिल्पेग्लिप से काफी ज्यादा अच्छा है। iOS पेंट का इजीली एक और पॉइंट, आवाज आती है वो चीज जो iOS पेंट को फिल्पेग्लिप के कंपैरिजन में एकदम डिफरेंट लेवल पर ले जाती है, और वो है iOS पेंट का फिल्टर टूल, जो कि फिल्पेग्लिप में नहीं है। ये फिल्टर टूल ही iOS पेंट को एक प्रोफेशनल ऐप बनाता है। इस फिल्टर टूल में हमें ढेर सारे ब्लर इफेक्ट मिल जाते हैं जिन्हें हम अपनी एनिमेशन में यूज कर सकते हैं, और साथ ही इस टाइप से ग्लो भी कर सकते हैं, वो भी किसी भी कलर में, और करेक्टर के अराउंड हम बॉर्डर लाइंस भी ऐड कर सकते हैं, और साथ ही में किसी भी एंगल से शेडो भी ऐड कर सकते हैं, राइट लेफ्ट पास या दूर, चाहो तो शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हो। इस टाइप से इजीली गोड रे भी यूज कर सकते हैं, जो एनिमेशन में काफी अच्छा लगेगा। इतना ही नहीं, हम इस फिल्टर टूल में एनीमे स्पीड लाइंस को भी ऐड कर सकते हैं, और इन स्पीड लाइंस को एडजस्ट भी कर सकते हो, और हम एनिमेशन में क्रोमेटिक एवरेशन का यूज भी कर सकते हैं, और ग्लिच का यूज, नॉइस का यूज, रेट्रो गेम इफेक्ट का यूज भी कर सकते हैं, और इस टाइप से ब्लूम इफेक्ट का यूज भी कर सकते हो। ये ब्लूम इफेक्ट तो ज्यादातर हमें सभी एनिमे में देखने मिल जाता है। नेक्स्ट, फाइट वगैरह की एनिमेशन में इस टाइप की स्पीड लाइंस का यूज भी कर सकते हो। ये इफेक्ट हमारा काफी टाइम बचा सकता है, क्योंकि इस टाइप की एनिमेशन में काफी टाइम लगता है, और चाहो तो रेन इफेक्ट का यूज भी कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम इस फिल्टर टूल से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ हम ह्यू एंड सैचुरेशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं इजीली iOS पेंट का एक और पॉइंट। नेक्स्ट, फिल्पेग्लिप की एनिमेशन वीडियो पर वोटर मार्क आता है, और iOS पेंट की एनिमेशन वीडियो पर भी वोटर मार्क आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोनों में रेजोल्यूशन कितना मिलता है। फिल्पेग्लिप में हम 720p और 1080p तक का रेजोल्यूशन फ्री में यूज कर सकते हैं, बट अदर साइड iOS पेंट में हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें iOS पेंट का प्रीमियम प्लान लेना होगा, जो है मंथली 220 रुपए। अगर पैसे नहीं देना चाहते तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, और वो तुम्हें पहले से ही पता है, विनर है iOS पेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्पेग्लिप एनिमेशन के लिए अच्छा ऐप नहीं है, ये दोनों ही अपनी जगह काफी अच्छे हैं। अगर तुम iOS पेंट को चलाना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और एनिमेशन कैसे करते हैं ये सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो।